नमस्कार, मैं हूँ आपकी प्यारी बिमला। और मुझे पता आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि मैं ना बहुत दिनों बाद आई हूँ। क्या बताऊँ ना, इतने दिनों से मैं घर ही पर थी, इधर उधर कहीं गई नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे और मेरे घुटने भी। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा कौन है, मुझे भी नहीं पता ये बच्चा कौन है, ऐसे कैसे वीडियो में चला आया। ये है मेरी प्रियांशी का, पता है आप लोगों को, हाँ, जो शहर में रहती है, वो शहर वाली, हाँ, जो नाचती रहती है रील्स पे, वही उसका भाई। ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, जाने दो, मेरा बच्चा तो है नहीं। और ये ना मेरे विराट के साथ ना बहुत ज़्यादा खेल रहा है, मुझे लगता है ये दोनों ना बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। फिर भी आज हम लोग बनाने वाले हैं खाना और इनको और विराट को खिलाने वाले हैं। मुझे प्रियांशी ने बताया कि कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिमला दीदी आपकी ना बहुत ज़रूरत है। तो मैं चली गई, आप लोग बुलाओ और मैं ना हो, ऐसा कभी हो सकता है, इसलिए मुझे तो आना पड़ा ना। और ये मेरे बेटे का ना पैर खींचता है, नाक में उंगली डाल देता है, बहुत शैतान बच्चा है। मैं अपने बेटे को ना इसके पास नहीं छोड़ूंगा। मैंने ना मेरा पूजा रूम को थोड़े से ना ठीक ठाक किया है। पहले मैं नीचे बैठकर पूजा करती थी और नीचे बार बार बैठने से ना मेरे घुटने बहुत दुख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे खड़ी होकर पूजा करूँगी। और मैंने इधर ही मेरा पूजा का सामान वामान रख दिया, भगवान जी को रख दिया। तो चलो पूजा करना शुरू करते हैं। मेरा पूजा हो गया और इधर मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर लिया। अभी मुझे थोड़ा सा नीचे साफ़ करना है और फिर मुझे लगता है हम लोग खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा ना चौलबरा बनाने वाली हूँ जो कि हमारे गांव में बनता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या है। हम लोगों ने लिया है थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अरे यार, मेरा मांग टीका, ये जल्दी जल्दी से जल गया है आज भगवान की कृपा से, वरना हर बार जलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी। हम लोगों ने लिया नमक, जीरा और खाने वाला सोडा। और इसको हम लोग ये चावल के बैटर में ऐसे ऐसे करके मिला लेंगे। मैंने मेरा हाथ धोया है और तेल भी धीरे धीरे गर्म होने लगा है, हमारा कढ़ाई भी गर्म होने लगा है, इसलिए मुझे ना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आज कढ़ाई इतना जल्दी हो जाएगा। मुझे लग रहा था फिर भी टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी पहले से ही कर लेती हूँ, लेकिन किसको पता था इतना जल्दी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है पहले हम लोगों को। धूप में आप लकड़ी रख दिए थे ना बिमला दीदी, इसीलिए। हाँ, तेल में से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैं बहुत दिनों बाद बना रही, पिछली बार गाँव में बनाया था, अभी इधर बना रही हूँ घर पर। मैंने सोचा आप लोगों को भी मेरा रेसिपी बता दूँ क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। चलो अभी ये तो एक एक करके बन गया ना, छोटू छोटू और प्यारा प्यारा लग रहा है। अभी इसको घर पे बना सकते हो ऐसे ही चूल्हा वूल्हा लगा के। अरे याद है आप सबके घर तो चूल्हा वूल्हा होगा नहीं, हम तो शहर के लोग। थोड़ा सा भी पानी में हाथ में पानी लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे मिक्स करके। इसको ऐसे ऐसे ध्यान से डालना है बिना डर, क्योंकि अच्छा जो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं ये ना अकेले मत करना, अपने मम्मी पापा का ना थोड़ा सा सहायता लेना, क्योंकि अभी भी आप लोग इतने बड़े नहीं हुए हो कि सब कुछ खुद ही करोगे, इसलिए मम्मी पापा का सहायता लेना। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं ऐसे ही बता रही हूँ सबसे अकेले। अब ये देखो कितना टेस्टी, और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं प्रियांशी, क्रंची कड़ंची, बहुत कड़ंची बना है। और ना पूरा सा ब्राउन ब्राउन, बहुत टेस्टी दिख रहा है। मेरा तो मन करा अभी खा जाऊँ लेकिन नहीं खा सकती, बच्चों के लिए बनाना पड़ रहा है ना। वाह, ये देखो बिमला दीदी से अच्छा खाना और कोई बना सकता है नहीं। मैं बोल रही हूँ अब जितना होटल जा लो मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, आपकी मम्मा भी नहीं बना सकती। दुनिया का सबसे अच्छा देसी खाना ना मैं ही बनाती हूँ। फिर से अभी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इतने में पेट नहीं भरता मेरे बच्चों का।
हाँ देखना अभी कितना अच्छा बनेगा कि सब ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे याद आया वो प्रियांशी जो है ना शहर वाली, वो मुझे बोल रही थी कि विमला दीदी आप ऐसे छोटे छोटे खाना कैसे बना रहे, तो मुझे भी सिखाओ। तो मैंने बोला कि एक बार तुम 24 घंटे मेरे जैसा छोटे छोटे खाना बनाना सीखो। क्या बोलते उसको अंग्रेजी में? विमला दीदी कुकिंग मिनी फूड फॉर 24 आवर बोलिए। अच्छा हाँ, मिनी फूड कुकिंग फॉर 24 आवर वो बोल रही है। तो वैसा अगर आप लोग कोई चैलेंज वाले उससे करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ मैं तो बोल रही हूँ बताओ, खाना वाना कुछ नहीं आता, जब 12 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई थी इसकी तो शादी वादी भी नहीं हुई है, क्या बताओ बताओ, थोड़ा खाना वाना 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 सब कुछ बनाना सीख ले, ससुराल में क्या करेगी, उसकी मम्मी थोड़ी ना बना के देगी उधर, उसकी मम्मी भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, मेरे जैसा अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। सही में मैं बोल रही हूँ, जिधर भी जाओ जितना होटल जाओ पूरा इंडिया की सैर कर लो, लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलेगा। ये लास्ट और इसके बाद थोड़ा सा और एंड देन हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम लोग वो टमाटो की ना टमाटो चिली वाला तीखा तीखा जो एक चटनी है मेरे पास, उसका रेसिपी मैं आप लोगों को कभी और बताऊँगी। इसमें बताऊँगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, इसका ना थोड़ा ज़्यादा वादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मैं वो चटपटा टमाटो चटनी का रेसिपी भी आप लोगों को बता दूँ, जानते हो ना। और ये देखो मेरा नया अंगूठा मेरे पति ला कर दिए थे, बहुत अच्छा है ना, पता है मेरे जैसा अच्छा फैशन सेंस भी किसी का नहीं है। ये भी नया है, सब कुछ नया है और सब कुछ ना गोल्ड है। क्यों बोल रही हूँ? 2000 years later. तो अभी हमारा खाना जो है बन चुका है, ये देखिए वो बड़ा, ये आयु और विराट के लिए। अरे ये ना बहुत बदमाश बच्चा है, कभी भी सीधा नहीं बैठता है, तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी मैं, बैठो चुपचाप इधर। और ये है श्रेयु के लिए, पकड़ो ठीक है। ये हमारा आयु है और ये उनके बेस्ट फ्रेंड है, इसका बेस्ट फ्रेंड ये है, इसका बेस्ट फ्रेंड ये है। मैं किसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ मुझे नहीं पता। उस बच्चे की नहीं, मैं तो उसकी मम्मा हूँ। और ये है मेरा टमाटर चटनी जिसके साथ हम खाने लगे। अरे तुझे नहीं। मत देना, हो बहुत बदमाश बच्चा हो गया है। अरे बाप रे, मुझे याद आया मेरी सास मुझे बोलती थी ऐसे ओढ़ना देकर पूजा करती हूँ, ओढ़ना देकर भी खाना बनाया करो। मैं हर बार भूल जाती हूँ इसलिए ताना मारती रहती है। उनकी बेटी मेरी सासू की बेटी वो हर बार करती है इसलिए उसको प्यार प्यार करती है ना, तो मुझे ऐसे बोलती है। ये भगवान देखो इसको सारा गिरा, मेरा बच्चा क्या खाएगा, वो ऐसे पतला रहेगा? तुम तो हट्टे कट्टे हो, मेरा बेटा पतला रह जाए, निकल भी जा रहा है। अरे क्या रे, तुम्हारे घर में तुमको संस्कार नहीं सिखाए? आजकल के बच्चे ना क्या, हमारे माँ बाप अगर और किसी के घर से खा रहे ना, घर से निकाल देते थे हमको, बोलते थे उसके घर ही रहो। कितना ठंडा ठंडा पानी है इसमें, बापरे। विराट के दोनों दोस्त अभी चले गए। हे भगवान, दोनों दोस्त इतना नौटंकी कर रहे, इतना नौटंकी कह रहे, मुझे तो डर है मेरा बेटा भी उतना बदमाश बन जाएगा। फिर भी बदमाश बनेगा तो इसके टकले में दूंगी एक चवान। 5 minutes later. तो खाना वाना बनाने में जितना कम मेहनत लगा ना, खाना उतना ही बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मेरा पेट तो बिल्कुल नहीं भरा क्योंकि इतना छोटा छोटा था ना, बच्चों का पेट भर गया, लेकिन मेरे लिए मैं और भी रात को तलूंगी। फिलहाल ये मेरी भूख थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो वो दोनों तो गए हैं खेलने, मैंने इसको बोला कि ये इधर ही रुकेगा क्योंकि इसको वीडियो एंड करना है, फिर इसको भी मैं ऐसे पटक दूंगी ताकि ये भी खेलने चला जाए, क्योंकि घर पे तो इनका पेट टिकता नहीं ना। क्यों रे, घर पे तो रहेगा नहीं, धूप में छाँव में बारिश में ठंड में जहाँ भी, खाली इसको खेलने जाना है। छोड़ो इसको, मैं बाद में डांटूंगी, सबके सामने डांटूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, वैसे भी इसकी कोई इज्जत नहीं है, फिर भी चलेगा। धन्यवाद आप सभी को, ये वीडियो बोलता है हाँ हाँ वीडियो देखने के लिए। वो क्या बोलते हैं, हर बार मुझे इतने दिनों बाद वीडियो बना रहे, कैसे क्या बोलते हैं, लाइक
शेयर और सब्सक्राइब। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वो जो ऊपर है घंटी, वो येलो वाला, उसको दबा के ऑल कर देना, ताकि जब भी मैं या प्रियांशी आएगा, ये या आयु या जो भी आए हमारे प्रियांशी के चैनल में, आप लोग उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ और वीडियो देखो और कमेंट में फर्स्ट लिखो। तो ठीक है, आप लोगों से मिलूँगी अगली बार जब मैं आऊँगी। अभी के लिए तो हम लोग थोड़ा सा गांव में, जंगल वंगल में घूमेंगे, थोड़ा पिकनिक विकनिक करेंगे, तो पिकनिक के बाद ही मैं आप लोगों से मिलूँगी, मतलब ठीक है। बाय 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 बोलते ना, हाँ बाय बाय, आप लोगों से मिलूँगी बाद में। और धन्यवाद।